देश के 22 करोड़ लोगों को बीपी की समस्या है और उनमें से 70% को ये दिक्कत मोटापे की वजह से हुई है, यानी कि करीब 15 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन और मोटापे का डबल अटैक सहना पड़ रहा है। श्रुतिका, बिल्कुल ज्योत्सना, वहीं बात की जाए ब्रेन डिसऑर्डर्स और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों की, तो इन्होंने ये जान की जोखिम बन चुकी है, तो वहीं जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा रही है आर्थराइटिस और थायराइड जैसी बीमारियां। और इसीलिए श्रुतिका, स्वामी रामदेव और इंडिया टीवी ने रोगों से आजादी दिलवाने के लिए एक जंग सी छेड़ रखी है, लेकिन ये जीत तभी मुमकिन है और तभी मिलेगी जब लोग खुद बीमारियों के खिलाफ क्रांति की मशाल लेकर उठ खड़े होंगे। तो आज ही आपको संकल्प लेना है कि जिंदगी का एक रूटीन आपको बनाना है, आपको अपना खान पान सही करना है, रोज कम से कम 40 मिनट योग या एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालना है, और ये भी तय करना है कि आपको अपना कंधा किसी के सहारे के लिए मजबूत तैयार करना या चार कंधों का इंतजार कर रहे हैं, ये भी आपको तय करना है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत अभिनंदन हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, और आज हम योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार और इधर एडवांस योग के साथ एक साथ योग के कई रंग मिलेंगे। यहाँ तिरंगा भी है, घर घर तिरंगा, हर दिल में, हर मन में, हमारे तन में, मन में, वतन में तिरंगा, तिरंगा की शान ऊंची रहे। हमारे यहाँ मेरे साथ सियाचिन पर जो कई महीनों तक रहे कार्तिकेय जी, क्या नाम है, अंजनी कुमार जी, कर्नल साहब, शेखावत साहब, बहुत हमारे मेरे साथ तो आर्मी में जो सेवा रहते हैं, मिलिट्री पैरामिलिट्री में वो भी रहते हैं, फोर्स में, और हम तो सबको योद्धा बना रहे हैं कि हम जंग जीते जिंदगी की। जैसे भगत सिंह जी का आपने कोटेशन कोट किया कि आज़ादी की लड़ाई अपने कंधों पर लड़ी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे जाते हैं, तो हमारे कंधे भी मजबूत हों, हम स्वयं दृढ़ बने, मजबूत बने। और ये जो गुलामी है बीमारियों की, ये गुलामी है नशे की, गुलामी है दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं की, अनेक प्रकार के हमने बुरी आदतों को अपने ऊपर लाद रखा है, इन सब से हमें आजाद होना है। देखिए स्वामी जी, तन से मन से बीमार और लाचार हैं। कल जब ये खबर आई तो ये खबर मतलब ये चांस की बात है, मैं ही ये खबर पढ़ रही थी और इस खबर को पढ़ने के बाद एक संतुष्टि तो इस बात की जरूर मिली कि सच जो है कभी पराजित नहीं होता है और अच्छे मन से, अच्छे कर्म की तरफ बढ़ाया गया कदम कभी निष्फल नहीं होता है। ये बात तो बिल्कुल सच साबित हुई है और आपने तो वाकई में देश को स्वस्थ बनाने की, भारत को स्वस्थ बनाने की मुहिम छेड़ रखी है, ये अलग जगह रखी है। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं स्वामी जी हमारी ओर से भी आपको। और अब तो ये मुहिम जो है हिंदुस्तान के सरहदों से बाहर निकल कर विदेशों तक जा रही है, दुनिया भर से। स्वामी जी हमारे पास रोजाना बहुत सारे सवाल आपके लिए आते हैं, ये बता रहा कि कैसे आपने जो बीमारियों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है वो अब पूरी दुनिया में जा रही है और लोग योग को अपना रहे हैं, खुद को सेहतमंद बना रहे हैं। तो देखो, डायबिटीज से आज़ादी के लिए मेरे साथ यहाँ ओबी है और कितने बच्चे कि रोज एक एक बच्चे का मैं उदाहरण देता रहता हूँ, छोटे छोटे 5 साल 7 साल 8 साल के बच्चे, Type 1 diabetes, Type 2 diabetes, डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, मधुराशिनी मधुग्रिट से लेकर के खीरा करे टमाटर का जूस, मिट्टी चिकित्सा और थोड़ा खाने पर सेम कराते मंडू का आसन, और बच्चे तो योग मुद्रासन भी कर लेते हैं, जो इतना नहीं कर पाते उनसे वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और पवन मुक्तासन कराते हैं। एक बहुत जबरदस्त पौधा है, उसको गुड़मार कहते हैं, गुड़ को मार देता है सरकरा को, गुड़मार, विजय सार, मेथी का पानी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, इसका जूस पिलाते कुटकी का, भस्त्री का, मैंने तो आते ही मोर चाल चल दी, आज थोड़ा पवन कम बह रहा है तो पसीना पूरा बह रहा है, देखो ये पूरा पसीना बहना चाहिए। भस्त्रिका, कपालभाती और फिर ये पवन मुक्तासन, लो चलो भाई सब करो पवन मुक्तासन, मधुमेह से मुक्त होगा भारत, मधुमेह
और मधुमेह के कॉम्प्लिकेशन से। मधुमेह का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है किडनी पर। आज ही एक भाई आया, बोले बाबा जी 5 था क्रिएटिनिन, अब जो है एक तिवारी जी थे दुबे जी जो है क्रिएटिनिन नॉर्मल आ गया। हम कहते हैं गोखरू और पुनर्नवा का काढ़ा पी लो, नीम पीपल की पत्तों का रस और रिनोग्रिट पवन मुक्तासन उत्तान पादासन, किडनी फेल नहीं होगी। अनुलोम विलोम कर लो, और अनुलोम विलोम से फिर न्यूरोपैथी, और जो कर सके उनको तो हम फिर शीर्षासन भी करा देते हैं, जो बच्चे होते हैं ना उनको तो बच्चे शीर्षासन कर लेते हैं ना, तो न्यूरोपैथी रेटिनोपैथी आँखों की समस्या से बच जाते हैं। उसके लिए आईग्रिट ड्रॉप आईग्रिट वटी की फिर जरूरत नहीं पड़ती, न्यूरोपैथी के लिए न्यूरोग्रिट इम्यूनोग्रिट की जरूरत नहीं पड़ती, अश्वगंधा शतावर इससे ही पूरे ठीक हो जाते हैं। जो शीर्षासन कर सके सर्वांगासन कर सके, क्या बात है भाई, ये तो अब सबको करना आ गया है। एडवांस योग जो ना भी कर पाए ये अभी आ गई है, इधर आओ अभी भाई, इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। इधर बैठो आप, तो मंडूक आसन ही करो। इसने 20 यूनिट इंसुलिन चल रही थी उस पर विजय पा ली है, ऐसे ये अब एंटीबायोटिक लेने से, एलोपैथी की सिंथेटिक एंटीबायोटिक लेने से, फीवर के लिए ये जो थोक में खा रहे हैं लोग पैरासीटामोल क्रोसिन आदि लेने से, अब इसको थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी पेट में कुछ ऐसी, बच्चों को छोटी मोटी कोई दिक्कत हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, उसके लिए एंटीबायोटिक्स देते थे, उसी से बच्चों को डायबिटीज हो जाती है। जैसे अभी डायबिटीज से मुक्त हुई है, इंसुलिन बंद होगी 20 यूनिट, अब लगातार करना बाबू, तो ऐसे सारा संसार मधुमेह मुक्त बनेगा मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, अब ज्योति जलेगी मीनाक्षी जी। डायबिटीज से आजादी कैसे मिलेगी स्वामी जी, आपने बता दिया है। यह लोगों में जोश जुनून पैदा करना है, बिल्कुल जोश जुनून जज्बा बीमारियों से लड़ने का हमें पैदा करना, ताकि हर एक बीमारी से हर एक हिंदुस्तानी आज़ाद हो पहले, उसके बाद फिर हम दुनिया का रुख करेंगे और दुनिया को भी बीमारियों से मुक्त करवाएंगे। स्वामी जी देखिए, ये बीमारियां भी ना एक साथ एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री वाली स्कीम के कई बार उससे भी ज़्यादा, इस तरह की बहुत सारी स्कीम चल रही है, तो एक मांगो तो कई आ जाती हैं, बिना मांगे चली आती हैं। बीमारियों का प्रकुणवा कुटुंब खानदान। हाँ स्वामी जी, एक लेटेस्ट स्टडी आई है और इसके मुताबिक 50% जो डायबिटिक लोग हैं उनमें उनका लीवर फैटी पाया जा रहा है। तो लीवर को हेल्दी कैसे बनाया जाए, लीवर को बीमारियों से आजाद कैसे रखा जाए, अब जरा इस पे आते हैं। तो इसके लिए मंडूकासन और आप भी करो बेटा मंडूकासन और योग मुद्रासन के साथ वक्रासन और कर ले, मंडूकासन ऐसे और ऐसे हाथ रख के, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वह योग मुद्रासन भी और साथ में वक्रासन, कितना आसान है। पवन मुक्तासन पहले बता ही चुके, और भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई का रस, रेडीमेड में लिवोग्रिट लिवामृत और बकरी का दूध पिलाते हैं, उसको खून भी कम हो जाता है, तो अनार गाजर चुकंदर वीट ग्रास एलोवेरा 5 चीज़ें इनका जूस पिला दिया, और थोड़ा मुनक्का अंजीर खजूर रात को भिगो करके खिला दिया, 7 से 14 हीमोग्लोबिन हो जाता है। फैटी लीवर आगे फिर लीवर सिरोसिस में लीवर फाइब्रोसिस में और हेपेटाइटिस में भी फिर कई बार कन्वर्ट हो जाता है, तो उससे भी बच जाएंगे, इससे भी बहुत लोग पीड़ित हैं। तो लीवर अच्छा रहता है तो आदमी को भूख अच्छी लगती है, खाया पिया हजम होता है शरीर में लगता है, और हम ऊर्जान्वित रहते हैं। तो अब आज की बात किसी का लीवर भी गड़बड़ नहीं रहेगा। फैटी लीवर के लिए हमने आज से 30 साल पहले ही सर्वकल्प काढ़ा बनाया था, और अब तो भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई का सीधा फ्रेश जूस पिलाते हैं, वर्षा ऋतु में ये काफ़ी उपलब्ध रहता है। अब स्वामी जी, जो लोग मीठे के कीड़े हैं, सब नहीं खाना देखो मीठे, अभी तो लड्डू भी बटेगा कल जैसे ही झंडा फहराएंगे हम लोग, नहीं तो एक खा लेने में कोई समस्या नहीं है, अति सर्वत्र वर्जयेत, एक के बाद जब दूसरे के लिए जी ललचाता है और फिर धीरे धीरे ये संख्या 3, 4, 5 तक चली जाती है, समस्या तब पैदा होती है उसे। स्वामी जी, मीठी चीज खाने की वजह से आंत खराब होती है, हाजमा बिगड़ता है,
और फिर कब्ज, एसिडिटी, गैस, बदहजमी, ये सारी परेशानियाँ आजकल तो हर दूसरे तीसरे शख्स में देखने को मिल रही है। इससे भी आज़ादी दिला दीजिए। और अगर आप चाहें तो कल एक लड्डू एक्स्ट्रा करवा दीजिए। हाँ, गैस, कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन, इसके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ देखो ये भी अभ्यास कर लें। और सर्वांगासन, हलासन भी बहुत अच्छा रहता है जो कर सके तो। बाकी कब्ज के लिए त्रिफला चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, दिव्य चूर्ण, खाने के बाद अभयारिष्ट, खाने के पहले थोड़ा अनार, पपीता, सेव, ये मैंने रूटीन बनाया हुआ है। मुझे भी बचपन में इतनी भयंकर कब्ज थी जैसे बकरी के या ऊँट के मींगने बोलते हैं हरियाणा राजस्थान में, ऐसे हार्ड मल होता था। मैंने तो योग करके और अपने थोड़े खान पान में चेंज करके अपनी कब्ज ठीक कर ली। अब पेट बढ़िया साफ होता है, भूख बढ़िया लगती है और ना कब्ज है ना कोलाइटिस है। किसी को बहुत ज़्यादा पेट साफ होता है, खाते ही टॉयलेट जाना पड़ता है, उसको कोलोगिट देते हैं, फिर कुटजारिश, कुटज, घनवती, ये सब देना पड़ता है। घी मीठा और दूध बंद करते हैं कोलाइटिस में। कब्ज में दही छाछ थोड़े दिन के लिए बंद कर देते हैं। हाँ, और जब देखो कब्ज हो जाए ना तो दूध में मुनक्का अंजीर उबाल करके और थोड़ा गर्म दूध पिलाते हैं, उसमें एरेंड या बादाम का तेल भी थोड़ा पिला दें, तब पेट एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। एक चम्मच से ज़्यादा नहीं पिलाना। कपाल भाति, पवन मुक्तासन के साथ, उत्तान पादासन के साथ, तो अब कब्ज किसी को नहीं रहेगा। जहाँ तक गैस एसिडिटी है तो गैस के लिए तो गैस है, एसिडिटी के लिए अभिपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शक्ति 10 ग्राम मिला करके, अथवा मुक्ता शक्ति काम दुधा मोती पिष्टी बराबर लेकर के, और वो ऐसे ही आधा ग्राम हनी के साथ, सौंफ के पानी के साथ या मुलेठी के पानी के साथ दे देते हैं और उससे कब्ज से पूरा छुटकारा मिल जाता है, एसिडिटी से पूरा छुटकारा मिल जाता है। तो छोटे छोटे उपाय करके हम बड़े बड़े रोगों को हर रोज ढाते हैं। मेरी बहन मीनाक्षी जी, ये करो बाबू। अभी स्वामी जी, अभी आप अलग अलग बीमारियों से जो आज़ादी दिला रहे थे तो मैं आँख बंद करके अनुलोम विलोम करता करता बचपन में चला गया और मदरसे में 15 अगस्त के दिन झंडारोहण और फिर बाधा दौड़। तो अभी लड्डू था ना तो आंखें बंद करके मुझे जलेबी नज़र आ रही थी, वो जब हम लोग ऊँचा कुचक के जलेबी खा लिया करते थे और बड़ा मज़ा आता था स्वामी जी बचपन के इन दिनों में भी। अब खैर वो वक्त नहीं है, लेकिन एक जलेबी दौड़ लो होती थी, पेड़ पर टांग दिया करते थे और मुँह से ही सीधे खाया करते थे। बस वही जलेबी दिखाई दे रही थी मुझे। सर्दी, गर्मी, फिर इसमें मक्खी, मच्छर, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, यही हमें मार देंगे। तो देखो इसके लिए एक तो दंड लगाएं। ये देखो ओबीजी भी लगा रही है हमारे साथ, कोशिश कर रही है, करो बाबू ऐसे, ये भी मजबूत हो रही है, नहीं तो शुगर से ढह गई थी बेचारी। तो दंड लगाएं ऐसे ऐसे ऐसे। इधर हमारी बेटियां तो एडवांस योग करने में लगी हुई है, और जो है जो दंड लगा सके, जो सूर्य नमस्कार कर सके, वो तो ये करना, और शेष मसल्स को अच्छा बनाने के लिए और कुछ ना बन पाए तो ये भुजंगासन ही कर लेना। ये करो जी ओबी जी, ये 100 बार करो ऐसे। और जिनके को मसल्स अच्छे बनाने, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मुसली, ये तो सब घर में रखना जी। आजकल पावर की दवाइयों के नाम पर, टॉनिक्स के नाम पर हम बहुत उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते हैं। मैं सबसे आह्वान करूंगा, इस सिंथेटिक दवाओं का जहर शरीर में मत घोलिए, और सिंथेटिक विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, सिंथेटिक, ये जो प्रोटीन पाउडर्स हैं उससे मसल्स नहीं बनेंगे, उससे तो थोड़ी देर की खुशियाँ, ज़िंदगी भर का काम, थोड़ी देर की ताकत, ज़िंदगी भर की कमजोरी, बहुत खतरनाक खेल है वो, उससे तो बचना पड़ेगा। भुजंगासन करें, थक जाएं तो मकरासन करें, दंड लगाएं। और जी आपका पुष्पक विमान आ गया, आप हमें छोड़ के जाने वाले तो नहीं है ना? न्यूट्रिला नहीं, अभी 9 बजे के बाद जाएंगे, मुझे मथुरा जाना है हमारे पूज्य गुरुशरण जी का। देख के मुझे घबराहट होने लगी। हाँ, लेकिन देखो
नहीं अभी उड़ेंगे नहीं अभी यही पर हमने नियम बनाया हुआ, कुछ भी हो जाए पहले योग बाद में कर्म योग। अच्छा स्वामी जी, आज हम बॉर्डर की भी बात कर लेते हैं। जैसे हमारे देश के बॉर्डर की हिफाजत देश के सेनानी करते हैं, ठीक उसी तरीके से शरीर के हमारे ऑर्गन्स, यही है तो हमारे बॉर्डर है। शरीर का ढांचा यानी कि हड्डियां, जो कि हर बाहरी अटैक से हमारे वाइटल ऑर्गन्स को सेव रखता है, लेकिन आर्थराइटिस इन्हीं हड्डियों के लिए खतरा बन गया। स्वामी जी, जोड़ इस कदर कमजोर हो गए हैं कि 30-32 की उम्र में ही आजकल लड़कों लड़कियों के घुटने जवाब देने लगते हैं, दर्द बर्दाश्त से बाहर होता है। तो स्वामी जी, शरीर के सभी पुरुषों को फ्लेक्सिबल तो बना ही रहे हैं, हड्डियों को भी मजबूत बना दें, हमारी स्किन, हमारी मसल्स, हमारी बोन्स, जो कि सब भारी आघातों से, भारी आक्रमणों से हमको बचा के रखते हैं। तो BSF को भी ठीक करना है, हमारी भीतर की आर्मी है, फिर हमारे ब्लड सेल्स, WBC RBC प्लेटलेट्स, वो भी हमारी, जितने खून जितना जवान रहेगा उतना आदमी ज़्यादा जवान रहेगा। तो एक तो धूप में बैठा करें, विटामिन डी लाइकिन से हमने न्यूट्रेला विटामिन डी भी बना रखा। वैसे तो अंकुरित शाक सब्जियां, फल और दूध दही घी से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फिर भी एक घंटा धूप का सेवन सबको करना चाहिए। थोड़ा सा अंकुरित चाहे 2 चम्मच ही रोज़ खा लिया करें, खाना चाहिए, तो फिर हड्डियाँ इतनी फ्लेक्सिबल रहेंगी जैसे सब बेटियाँ देखो भूना मना आसन कर रही है ना। तो अब तो ये आवी और इसका क्या नाम है, आराध्या, ओवी और आराध्या है ना, और ये दूसरी का क्या नाम है, आजा आजा, क्या नाम बाबू आपका, तनिष्का, इधर बैठो तनिष्क। हाँ तो ऐसे करो, अब ये छोटे छोटे बच्चे मधुमेह से मुक्त हो रहे हैं, आ जाओ बाबू आप भी आ जाओ, आराध्या जी आप इधर बैठो। हाँ और ऐसे करो, देखो ऐसे, अब छोटे छोटे बच्चों में भी योग का क्रेज आ गया है। हाँ। तो हड्डियाँ मजबूत बनेंगी, दूध में हल्दी चला जी तो लाक्षादी गुब्बल ले रहा, हड्डियाँ इतने मजबूत बन जाती हैं। देखो हम रोड के ऊपर ऐसे हाथ मारते हैं ना तो रोड टूट जाती है, क्या हाँ ऐसे, और पत्थरों को तोड़ देते, फोड़ देते ऐसे। देखो बेटियाँ कितना अच्छा कर रही हैं, देखो ऐसे आपको भी करना है धीरे धीरे, है ना बाबू, आराध्या जी, तनिष्का जी, ऐसे ऐसे ये करो और ऐसे ऐसे करो। तो ये सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम, जिनको बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द है पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, नहीं तो योगराज महायोगराज गुग्गुल, ज़्यादा जोड़ों में दर्द है लाक्षादि गुग्गुल आमवातारी रस, नहीं तो वातारी चूर्ण अश्वगंधा शतावरी दे देते हैं, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर खिला देते हैं। अब आर्थराइटिस किसी को नहीं रहेगा, दही छाछ नींबूचार टमाटर खटाई बंद कर देते हैं और गिलोय एलोवेरा पारिजात निर्गुंडी सहजने का रस पिला देते हैं, ATM की सब्जी एलोवेरा टर्मरिक मेथी, ATM का मतलब वो ATM वाली मशीन की सब्जी नहीं बनती है। तो ये छोटी छोटी बातें करके बड़े बड़े रोगों से मुक्ति, इसलिए भी मजबूत रहना जो उसका बड़ा जरूरी है कि किसी के आगे घुटने ना टेक दें। अगर ऐसा होता तो उस जमाने में जब देश आजाद नहीं था तो सोचिए हमारे क्रांतिकारी कैसे इस लड़ाई को लड़ते। लेकिन स्वामी जी एक गुजारिश आपसे और है, वो गुजारिश ये है कि आपकी तो देखिए ऊपर वाले से बातचीत होती रहती है, ज़रा उनसे कहिए कि बच्चों को बीमारियों से साइड कर दें, अलग कर दें, क्योंकि बड़े जो हैं वो उनकी बलाएं लेने को हमेशा तैयार रहते हैं, कुछ ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। जोस्ता ठीक स्वामी जी, बहुत अच्छी अपील हुसैन ने की, लेकिन इसके साथ ही दिल का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, हार्ट की बात करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दिल पर खतरा लगातार बढ़ रहा है, हार्ट अटैक के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए एक सेशन दिल को मजबूत करने के लिए भी करवाने की ज़रूरत है। ये आज़ादी की लड़ाई तो जो है 1857 से पहले शुरू हो गई थी और 100 साल तक लगभग बहुत बड़ी चली और 5 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने आहुति दी, अपनी कुर्बानी दी, तब देखे देश आज़ाद हो। एक आज़ादी थी उसका, इसको कहते हैं राजनीतिक आज़ादी, लेकिन अभी तो आर्थिक आज़ादी, मैंने कहा सांस्कृतिक आज़ादी, शिक्षा चिकित्सा की आज़ादी, हिंसा झूठ बेईमानी दुराचार अनाचार व्यभिचार असुचित असंतोष विलासिता आत्मुक्ता नास्तिकता दुर्विचार दुर्भावना दुर्गुण दोष दुर्भावनाएं खून खराबा आपस में भेदभाव अन्याय ऊंच नीच न जाने क्या क्या छल छद्म गरीबी भूखमरी अलग प्रकार की असमानताएँ, सबसे आज़ादी दिलानी है और सबको मिलके दिलानी है। ये अच्छी बात है, हिंदू मुसलमान सब हाथ में तिरंगा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं
तो हमको ये भी करना पड़ेगा, अब सब रोगों से आज़ादी, सब वैर भाव से आज़ादी, और सब मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाएं, ऐसा काम करना पड़ेगा। और किसी का दिल ना तोड़ें, दिल ना दुखाएं, और दिल की बीमारियों को भी मिटाएं, उसके लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुना ऋषि, अर्जुन की छाल, ये तो औषधियाँ तो हम बताते रहते हैं। इसके लिए ना सबसे अच्छा होता है एक तो ये अभ्यास, देखो ऐसे, ये हार्ट के लिए अच्छा है, ऐसे ये, और फिर ऐसे देखो ये दूसरा, ये दो, तीसरा ये, और चौथा ये गौमुखासन। चलो बच्चों, अब बच्चों को हम बीमार नहीं होने देंगे, बच्चे योग करेंगे और कोई बच्चा बीमार नहीं होगा, ठीक है बच्चों? चलो करो, अब कोई बच्चा बीमार नहीं होगा, कोई जवान बीमार नहीं होगा, कोई बुजुर्ग भी अब लाचार नहीं होगा, अब हृदय रोग से किसी की मौत नहीं होगी। हार्ट में 5 बीमारियाँ बड़ी हैं, एक तो हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं, फिर इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, किसी के हार्ट में, छोटे बच्चों के वाल में लीकेज बहुत होता है, किसी को हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, किसी का हार्ट धक 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 तेज धड़कने लगता है। अब ठीक ठीक धड़केगा, जैसे हमारा 1 मिनट में 60 बार धड़कता है, वैसे 70 से 72 बार धड़कता है जो योग नहीं करते उनका, जो योग करते हैं पूरा हमारी तरह से हार्ड वर्क करते हैं उनका 60 बार धड़कता है। हम जब ध्यान करते हैं तो हमारा 50 और उससे कई बार कभी तो 45 तक चला जाता है, इतना सहज रहते हैं, विश्राम में रह करके हम श्रम करते हैं। शांति मूलक क्रांति, धैर्य मूलक धीरता, वीरता जीवन में, ऐसे तो हार्ट के लिए ये गौमुखासन और प्राणायाम बड़ा ज़बरदस्त है। प्राणायाम तो सभी को कर लेना चाहिए, ये गौमुखासन हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और जो बचपन से शीर्षासन करेंगे, बचपन से सर्वांगासन करेंगे उनको भी, और जो बच्चों की तरह, ये तो करो बच्चों, पूर्ण भुजंगासन करो, पूर्ण भुजंगासन कर रही हैं बेटियाँ, और ये तो पूर्ण परम योगिनी हो गई, और सब ऐसे पतली पतली सी हैं जैसे एक ही खांचे से निकल के आई है, ऐसा इन्होंने अपना ढांचा खांचा अच्छा बना रखा है। काश ऐसे पूरे देश की बेटियाँ ऐसे ही बन जाए, और मेरे साथ भी यहाँ बेटियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं, आप बेटियों बहुत अच्छा कर रही हो। चलो बेटियों, अब शीर्षासन करो और सर्वांगासन करो, और दिल का मजबूत होना स्वामी जी इसलिए भी बड़ा जरूरी है। सर्वांगासन जो बचपन से ही करेंगे हमारी तरह से कम आज के दिन तो सबको ये सोचना चाहिए कि दिल का मजबूत होना क्यों जरूरी है। उन लोगों का दिल कितना मजबूत था जिन्होंने जंगे आजादी लड़ी। स्वामी जी, जब मैं काकोरी के बारे में पढ़ता हूँ, अशफाको बिस्मिल को पढ़ता हूँ, अंग्रेजों के खिलाफ उनके खजाने को लूट लेने का जज्बा, उनके दिल की कुव्वत के बारे में पढ़ता हूँ तो रोंगटे खड़े होने लगते हैं। जब नाना जी पेशवा ने मौलवी अजमुल्ला खान को लंदन भेजा और वहाँ से वो लौटे, उनको उनका ब्रेन कहा जाता था नाना जी पेशवा का, और उन्होंने 1857 के पहले गदर की, पहले स्वतंत्रता संग्राम का जो बीज है वो बोया और एक संग्राम गीत लिखा, जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई सीताराम जी, और अल्लूरी सीताराम, ये बहुत सारे नाम है स्वामी जी, बहुत सारे नाम है, बड़े लेकिन बड़े इनके दिल किस कदर मजबूत रहे होंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी बिरसा मुंडा जंगे आजादी को लीड किया और हमें आजादी दिलवाई, और आज हम आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी कि आज हम अपने दिलों को मजबूत रखें और बीमारियों से खुद को आजाद रखें। तो दिल का दुश्मन स्वामी जी एक हाई बीपी भी है, बेवजह बीपी लोगों ने बढ़ा रखा है, देश के 22 करोड़ लोग हाई बीपी के शिकार हैं, 70% मामलों में इसका वजह मोटापा है, तो वजन को कंट्रोल करना भी स्वामी जी बड़ा जरूरी है। बीपी भी ठीक रहे, बीबी भी ठीक रहे, बीपी भी और सेम टू यू हस्बैंड भी ठीक रहे, सभी ठीक रहे, तो बीपी ठीक रहे, और ये सेम टू यू बड़ा वायरल हो रहा है आजकल, हार्ट अटैक बढ़ता है, फिर मोटापा, उसकी भी खैर खबर लेनी पड़ेगी। मेरे सहयोगी बात बात में कहते हैं सेम टू यू, तो बी तो बीपी के लिए एक तो मुक्तावटी बीपी ग्रिट है, लौकी का जूस है, और बीपी के लिए बहुत अच्छा ही अनुलोम मिलो जो हमारी सब बेटियां भी कर रहे हैं, करो कनिष्का, हाँ तनिष्का आराध्या कर लो जी, ओवी जी ऐसे अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत, ये तो ज्योत्सना मीनाक्षी जी कर लो जी, ओम शीतरी शीतकारी, और मन के संकल्प मात्र से बीपी ठीक हो जाता है। मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र के भी व्यक्ति हूँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे मेरा राष्ट्र बदनाम होता हो, मैं वही करूँगा जिससे मेरा राष्ट्र का यश गौरव कीर्ति बढ़े, मेरा राष्ट्र
अखंड रहे, मेरे राष्ट्र की एकता अखंडता संप्रभुता अक्षुण्ण रहे। तो ऐसी शीतली शीतकारी, स्वामी जी ये शीतली शीतकारी तो ठीक है, और अपने आप को विराट रूप में देखना, विराट। लेकिन मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर नीचे लोग लिख रहे हैं स्वामी जी कि वो मोटापा जरा कम करवाइए ना। चलो बच्चा ये करो, ऐसे करो बाप, ऐसे। हाँ क्या बात है, आप तो मोटी नहीं हो और खोटी तो कतई नहीं हो, लेकिन जो ऐसे करेंगे वो मोटी मोटी हमारी कुछ दो चार बहनें हैं वो भी पतली पतली हो जाएंगी ऐसे। ये और इन बच्चों के लिए तो स्वामी जी बहुत सारी दुआएं। हाँ घुटने सीधे ठीक हो, आराध्या जी घुटने नहीं मोड़ो। हाँ मैं दोहर वेट को गोधन मार्ग लौकी का जूस, साग सब्जियाँ ज़्यादा खाएं, मैंने तो अनाज का कोठा ही बंद कर रखा है। लोग तो अनाज के इतने दुश्मन, कुछ तो दस दस टिकड़ पाड़ लेते। एक मेरे साथ बच्चा था, बच्चा क्या था, एक तो दाएं तरफ खड़ा एक बाईं तरफ खड़ा, ये दो दो किलो चावल खा जाया करते थे, और ये पहाड़ में चावल को भी चावल बोलते हैं, चावल। सही बात है। तो अब थोड़ा अनाज पर छोटा कम घुमाना ये, और ऐसे ऐसे फिर इन्होंने अब दौड़ना शुरू कर दिया, और जो है अब अनाज से बैर इन्होंने कम कर दिया, नहीं तो अनाज पर ऐसे टूट पड़ते थे जैसे हमारे वीर बहादुर जवान जो है दुश्मनों पर टूट पड़ते। ये और चलो बच्चों ये तीन अभ्यास ये ऐसे करो, तो अब आज की बात कोई मोटा नहीं रहेगा, ना कोई मोटा ना कोई मोटी, ना कोई डुम्बा ना कोई डुम्बी, ना कोई जाड़ा ना कोई जाड़ी, कोई ना फैटा फैटी, कोई मोटा मोटी नहीं, ये ऐसे फिर ये ऐसे, बस 10-20-25-50-100 बार करना, गर्म पानी पीना। हम तो कुछ दिनों तक गर्म पानी पर, नारियल के पानी पर, अनानास के जूस पर, और ये बैरियटिक सर्जरी जो करवाते हैं, एक दिन मैं देख रहा था एक टीवी चैनल पर बहस कर रहे थे, डॉक्टर बैठे हुए थे, मरीज बेचारे हॉस्पिटल में तड़प रहे थे, किसी ने लाइपोसेक्शन कराया, किसी ने बैरियटिक सर्जरी कराई, किसी ने फैट कटर खाई, ये सब उल्टे पुल्टे सिंथेटिक दवाइयाँ, ये सारे कृत्रिम जो सब शरीर के साथ जो हम अत्याचार क्रूरता अन्याय इनजस्टिस करते हैं, इससे मुक्ति दिलाएंगे, देखो सहज रूप से ही वेट कम हो जाएगा, थोड़ा खाने पीने पर कम जो है, बस थोड़ा हाथ हल्का रखें। एक तगड़ा बालक था, कितना कर दिया था उसने कम, 9 दिन में 9 किलो बताओ, और बस ये ऐसे ये अभ्यास करें, और फिर जो कर सकें फिर वो पश्चिमोत्तानासन भी करें। जो ये ऐसे कठिन कठिन बेटियाँ करने में लगी हैं तो कुछ ज़्यादा ही कठिन करने में लगी, इतना ही कर लें, ये कर लें, ऐसे कर लें, चलिए पश्चिमोत्तानासन, ये तो कठिन कठिन अभ्यासों में करो बेटियों। चलो नटराज आसन करो स्वामी जी, झूले की तरह नटराज आसन, ध्वजासन, बड़े कठिन कठिन अभ्यास। ये अच्छा है ऐसे, और ऐसे करो बच्चियों, चलो करो एक साथ करो। हाँ करो, क्या बात है, हाँ पीछे तक ले जाओ फिर वापस आओ। ऐसे 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 झूला झूला से झूला झूला, अपना ही झूला बना लो, हम तो अपना ही झूला बना लेते हैं, अपना ही रोलर बना लेते हैं, ऐसे ऐसे देखो ये ऐसे, कितना मजा है इसमें, अपने मसाज खुद ही हो। और फिर जो है थोड़ा ऐसे भी कर लेते हैं, एक बाद पश्चिमोत्तान ऐसे, फिर जो है ये ऐसे साइड में भी ऐसे, थोड़ा ऐसे भी, और थोड़ा ऐसे ही देखो पैर ऐसे सीधे करके ऐसे ऐसे, इससे भी कमर पतली पतली हो जाएगी जैसे टेनिस का है ना, आपकी कमर तो बहुत पतली है, आपकी थोड़ी सी मुटिया है, आधा किलो ज़्यादा, बस ज़्यादा नहीं। अच्छा स्वामी जी देखिए, वज़न तो अच्छा खासा आपने अच्छा कम करवा दिया, इससे धरती माता भी आपको शुक्रिया कह रही हैं। मैं सोच रहा था कि जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था, जब हम गुलाम थे, उस वक्त भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आज़ाद हिंदुस्तान देख पा रहे थे, फिर बहुत सारे खुशनसीब ऐसे हुए स्वामी जी जिनकी आंखों ने ग़ुलामी से आज़ादी तक का सफ़र देखा, फिर आज़ाद हिंदुस्तान की खूबसूरती देखी और सारी खूबसूरत चीज़ों को देखा, और आज हम आज़ादी का सेलिब्रेशन देख पा रहे हैं। और ये सब कुछ कैसे होता है, सब कुछ आँखों के ज़रिए ही तो मुमकिन है, यही आँखें तो हमें सब कुछ एहसास कराती हैं, रंगों का, खूबसूरती का, इसके लिए आँखों का हेल्दी रहना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनसे आज़ादी मिलेगी तभी आँखें सेहतमंद रहेंगी, ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट है, मायोपिया है,
अब इसकी वजह से लोगों की आंखों की रोशनी घट रही है, कमजोर हो रही है, तो स्वामी जी आंखों के लिए भी जरा कुछ अभ्यास कराएं ताकि आंखें भी बीमारियों से आजाद रहें। आंखों में स्ट्रेस बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया है, अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है इसके लिए। और जैसे अभी थोड़ी देर में पहले बता रहा था, चलो आप तो बेटी अनुलोम विलोम करो, और ये शीर्षासन सर्वांगासन भी जरूरी है ऐसे, और फिर अनुलोम विलोम शीर्षासन सर्वांगासन त्राटक, नंगे पांव घास पर चलना, और हाँ त्रिफला घृत से अक्षितर्पण। अभी हमने सेलन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, सी एलिगेंस पर, खरगोशों पर, चूहों पर प्रयोग किया, उनको कैटे ग्लूकोमा, उनमें मैकुलर डिजनरेशन पैदा किया, और आईग्रिड खिलाई और आईग्रिड ड्रॉप डलाई। अरे साहब उसी से ठीक हो जाते। एक और खास बात बताता हूँ, निर्गुंडी का पौधा भी हम लगाएंगे, एक पौधा सेहत के नाम, निर्गुंडी के पत्तों का रस आँख में डालने से, अरे साहब आँखों की सारी बीमारी खत्म। लो सफ़ेद प्याज का रस शहद के साथ डालने से आंखों की बीमारी ख़त्म। हम तो सफ़ेद प्याज, अदरक और नींबू का रस बराबर उसमें 3 चम्मच ये रस और 3 चम्मच शहद डाल के, शहद से ही आँखें अच्छी हो जाती है। आँखों में गाय का घी डालें और 1 चम्मच सुबह खाली पेट गाय का घी खा लें, और ये अनुलोम विलोम, और इधर आओ बाबू, ये आँखों का पॉइंट है। तो अपनी आँखों का ख्याल रखिए, और ईश्वर करे, ऊपर वाला अल्लाह करे कि आपकी आंखों को किसी की नज़र ना लगे और आपकी सेहत को किसी की नज़र ना लगे। स्वामी जी इसके लिए ज़रूरी ये भी है कि हम ज़रा अपने पर्यावरण का भी ख्याल रखें, हर तरफ हरियाली होगी तो भी आंखें बड़ी खुश रहेंगी। तो स्वामी जी अब बात उस मिशन की जिसे हमने नाम दिया है, एक पौधा सेहत के नाम। हरियाली से आंखें अच्छी रहती है, इसलिए आज चारों तरफ हमारे यहाँ हरियाली। तो कौन सा पेड़ लग रहा स्वामी जी आज? और आज हमने लगाया, देखो ये गुड़मार का पौधा है, इसको खा करके, ठीक है बच्चों, आपको शुगर है ना, तो शुगर अब पूरा ख़त्म हो जाएगा, और इसका ये पत्ता खा करके आप यदि चीनी भी खाओगे ना तो आपको चीनी मीठी नहीं लगेगी, इतना ज़बरदस्त इसका असर है स्वामी जी। लेकिन इसका नाम बदलिए आप, दीदी आपकी, ठीक है, इसका नाम गुड़मार के बजाय चीनी मार करिए। चीनी मार, हाँ ये ठीक किया आपने। वैसे आप जो है ना, आप जो है ना शब्दों के शहंशाह हो गए हो आप तो सबसे। हाँ चलो आज इसका नाम ये चीनी मार पौधा है। तो ये चीनी मार पौधा है, और साथ में ही इससे, इसके सेवन से डाइजेशन भी अच्छा होता है, कब्ज की भी बीमारी दूर होती है, गैस की बीमारी भी दूर होती है, इसके सेवन से डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, तो जो भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है उसमें भी इसमें फ़ायदा होता है, स्किन प्रॉब्लम्स में इसका पेस्ट करके एलोवेरा के साथ, नीम के साथ लगाने से फ़ायदा होता है, इसके पत्ते खाने से वेट भी कम होता है, तो जो मोटे मोटे हैं, वैसे मैं मोटा तो नहीं हूँ फिर भी मैं एक पत्ता। चलिए गुड़मार कह लीजिए, चीनी मार कह लीजिए, नाम में क्या रखा है, रखा तो उसके गुणों में है। इस पौधे को लगाइए और इसकी जो खूबियां हैं उसको अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। स्वामी जी आप लोगों को झूठ और अफवाहों से बचाते हैं, बारी है फैक्ट चेक की। हाँ वो भी बहुत जरूरी। स्वामी जी सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि हींग का पानी जहर के असर को खत्म कर देता है, मतलब किसी ने अगर जहर खा लिया है तो उसको हींग का पानी पिला दो और उसके जहर की काट उसको मिल जाएगी। हींग बहुत अच्छा है, पेट में दर्द हो तो नाभि पर लगा दो, हींग बहुत अच्छा है, उससे गैस नहीं बनती, हींग बहुत अच्छा, उससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, और हींग बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के खिलाफ भी काम करता है, इसलिए हींग के बहुत सारे गुण हैं। लेकिन हींग से कोई सांप बिच्छू काट का या कोई जहर शरीर में हो जाए तो वो उतर जाएगा, ये दावा झूठा है, ये दावा झूठा है। डाइजेशन अच्छा बनाए, लेकिन जहर उतारने में और खास करके यदि सांप बिच्छू काट खाए तो उसका प्रयोग ना करें। लेकिन तो मतलब हींग के हजार फायदे हैं, लेकिन अगर जहर जैसी कोई बात है तो फौरन अपने डॉक्टर के पास जाइए, अस्पताल जाइए और अगले की जिंदगी बचाइए। इस तरह के झूठे दावों से खुद को बचाइए और लोगों को भी बचाइए। स्वामी जी अब वक्त हो गया है योग चैलेंज का। तो स्वामी जी जो आपने चैलेंज दिया था ना कल, एक ही चैलेंज में दो दो आपने आसन शामिल कर दिए थे, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए, आपको पहले दिखाते हैं।
देश के हर एक राज्य से, हर एक शहर से, हर एक उम्र के लोगों ने स्वामी जी कोशिश की है। गौसव राज तो कमाल कर दिया उन्होंने। मयूर और मयूरी दोनों था। हर आयु वर्ग के लोगों ने इसको अपनाया है जी। और अब आपकी मुलाकात स्वामी जी विजेता से भी करवा देते हैं। 63 साल के गुजरात सूरत के रहने वाले प्रदीप कदम ये बने हैं विजेता। स्वामी जी सूरत के रहने वाले हैं। स्वामी जी इनके हाथों की अलाइनमेंट भी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार। 63 साल के हैं स्वामी जी प्रदीप कदम जी के। और कल का अब चैलेंज भी दे दीजिए। कल का चैलेंज है, सारी बेटियां भी चैलेंज दे रही है। इधर आओ, पीछे आओ, आप भी कोशिश करना। अभी आओ, अब देखो पूर्ण चक्रासन कर का चैलेंज है। हाथ पीछे ले जाओ जी, टेनिस का जी, ये दूसरा भी हाथ ले जाओ। क्या बात है भाई, करो करो, आप भी बेटियां करो सब। ये कल का पूर्ण चक्रासन भाई, ये तो बहुत अच्छा कर दिया गुड़िया ने। वापस आ जाओ आप ऐसे ही, क्या बात है, बहुत शानदार। तो पूर्ण चक्रासन का ये चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपने अब तक नोट भी कर रखा होगा, आपने इस नंबर पर अपने वीडियोस हम तक पहुंचाए और जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा स्वामी जी की तरफ से उसे इनाम भी दिया जाएगा। स्वामी जी भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसे ही सब योग करते रहें, सब रोगों से आजादी पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।